सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। अज दी वीडियो दे विच आपां औले दा अचार बनावांगे। अज आपां औलिआं नूं बिना उबाले तों बिना भाफ ते पकाए तों बहुत ही जल्दी औलिआं दा अचार बनावांगे। अचार वधिया भी बनेगा ते टेस्टी भी बनेगा ते इस दे पौष्टिक तत्व भी नष्ट नहीं होणगे। इत्थे आपां 2 किलो औले लए ने। औलिआं नूं आपां चंगी तरह धो के सुखा लिया है क्योंकि औले गिले नहीं होने चाहिए। इस तरीके दे औले ने हुण आपां अचार बनावांगे। पैन दे विच सरों दा तेल पावांगे। यह अचार बहुत जल्दी बन जाता है तो बहुत टेस्टी भी लगता है। सरों दे तेल नूं गर्म कर लवांगे। जेकर तुसीं साडी वीडियो पहली बार देख रहे हो तां इस तों पहलां असीं अपने चैनल ते कई होर वीडियोज़ भी पाईआं ने। हुण औले पावांगे। मठे मठे सेक ते औलिआं नूं तेल दे विच फ्राई कर लवांगे। रेसिपी चंगी लगे तो वीडियो नूं लाइक शेयर करो ते चैनल नूं सबसक्राइब करो जी। इस तरीके नाल इह अचार बहुत जल्दी भी बन जाता है ते बहुत वधिया बनता है। तेल दे विच औलिआं नूं चंगी तरह फ्राई कर लवांगे। लो फ्लेम ते इन्हां नूं थोड़ी देर ढक के पका लवांगे। हुण कुछ मसाले तैयार करांगे। नमक ऐड करांगे। नमक 3 चमच पावांगे। एक छोटा चमच चिली फ्लैक्स पावांगे। एक छोटा चमच मैगी मसाला पावांगे। एक छोटा चमच धनिया पाउडर पावांगे। हल्दी पाउडर पावांगे। हल्दी पाउडर 2 चमच पाया है। एक चमच आमचूर पाउडर पावांगे। अजे अचार नूं आपां बहुत ही सौखे तरीके नाल बनावांगे। एक चमच रैड चिली पाउडर पावांगे। इस विच आपां इह सारे मसाले ऐड करांगे। चिली फ्लैक्स, नमक, मैगी मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, रैड चिली पाउडर ते आमचूर पाउडर, ये सारे मसाले आपां इस विच ऐड कर देवांगे। इन्हां नूं हिला लवांगे। ये पहलां नालों काफ़ी सॉफ्ट हो चुके ने। इन्हां दा कलर भी चेंज हो गया है। इन्हां नूं आपां इसे तरीके नाल ही थोड़ी देर होर पका लवांगे। रेसिपी चंगी लगे तो वीडियो नूं लाइक शेयर करो ते चैनल नूं सबसक्राइब करो जी। थोड़ा टाइम होर इन्हां नूं ढक के पका लवांगे। थोड़ा टाइम ढक के पकाउण तों बाद आपां इन्हां नूं दोबारा वेख लवांगे। हुण औले इस तरीके दे हो चुके ने। इस विच मसाले ऐड करांगे। मसालों नूं औलिआं दे विच चंगी तरह मिक्स कर लवांगे। यह अचार बहुत ही वधिया बनता है। रोटी परौंठे दे नाल यह अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है।
हूँ आप ओलिया ढक के पका लवेंगे। ओलिया पक के फटन तक इन्हों पका लवेंगे। जिन्ना टाइम ये पक के फट नहीं जाते उन्ना टाइम इन्हों चंगी तरह पका लवेंगे। थोड़ी देर ओलिया ढक के पकाने तो बाद ओलिया वेख लवेंगे। हमने इस तरीके दे हो चुके ने, इसमें चंगी तरह हिला लवेंगे। असी रोज़ अपने चैनल पर नवी नवी रैसपी वीडियोज़ लैके आते रहते हैं। इस तरीके होर वीडियो देखने दे लई तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर सकते हो जी। हुण अचार नूं थोड़ी देर होर ढक के पका लवेंगे। अचार नूं विच विच दी हिलाउंदे रहांगे। हम थोड़ी देर होर ढक के पकाने तो बाद अचार बन के तैयार है। हौली चंगी तरह पक चुके ने, अचार बन के तैयार है। चाकू नाल आपां इस तरीके नाल वेख लवेंगे। हौलियां दा अचार बन के तैयार है। तो तुसीं वेख सकते हो इस तरीके दे नाल ओले फट चुके ने ते चंगी तरह पक के तैयार ने। ओलियां दा अचार बन के तैयार है। अचार नूं बाउल दे विच सर्व कर लवेंगे। एक बार आपां अचार नूं बाउल दे विच कढ लवेंगे। जेकर आप ओलियां बिना उबाले तो इन्हों का अचार बनावेंगे इस तरीके नाल, तो इसका विटामिन सी भी नष्ट नहीं होएगा। इस तरह अचार जल्दी भी बन जाता है तो बहुत वधिया भी बनता है तो बहुत टेस्टी भी लगता है। यह अचार बनाने का बहुत ही सौखा तरीका है। आप इस तरीके नाल जल्दी ही अचार बना सकते हैं। अचार बहुत वधिया भी बनता है तो टेस्टी भी बनता है। जेकर तुहानू यह वीडियो चंगी लगी होवे तो वीडियो नू लाइक शेयर ते चैनल नू सबसक्राइब करो जी। वीडियो नू बिना स्किप किते तो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।